तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री तीसरा अध्याय। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें, किसी को बदनाम न करें, झगड़ालू न हो पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है, और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हों बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तखिकुस को भेजूं, तो मेरे पास निकोपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं जाड़ा काटने की ठानी है। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए, और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें, ताकि निष्फल न रहें। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, और जो विश्वास के कारण हमसे प्रीति रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे।